वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन ना 10th वीडियो है स्टैट्स का, और स्टैट्स का आज अपन फोर्थ चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग वाइंड अप करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फाइन, सबसे पहले थर्ड सीरीज आती है ओपन एंड सीरीज। दो सीरीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, राइट? अब थर्ड सीरीज कौन सी होती है? अ सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट लास्ट इंटरवल इज मिसिंग। ओपन एंड सीरीज क्यों होती है? जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की तो लोअर लिमिट मिसिंग होती है और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, टेबल बनाई है मैंने, ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, अपर लिमिट लोअर लिमिट मिसिंग है। बिलो फाइव, फाइव से पहले क्या है? मिसिंग है ना। और अपर लिमिट भी मिसिंग है, अबव मिसिंग है। दिस इज कॉल्ड ओपन एंड सीरीज, राइट? अब आती है फोर्थ, आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें क्या होता है, दो तरीके से होती है ये, ऑन बेसिस ऑफ अपर लिमिट एंड ऑन बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। इसमें कैसे आता है, जैसे एग्जांपल इसका लेस देन फाइव कितने फ्रीक्वेंसी है, लेस देन टेन कितनी है, लेस देन फिफ्टीन कितनी है, लेस देन ट्वेंटी कितनी है। ये आती है अपर बेसिस, अपर लिमिट के बेसिस पे। वी नो अपर लिमिट इज, ऐसा आता है ना, अपर लिमिट जो राइट साइड आती है, दैट इज अपर लिमिट। ये वाली अपर लिमिट है टेन, ठीक है। दूसरी तरफ अब अपने आती है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कि मोर देन फाइव, मोर देन टेन, मोर देन फिफ्टीन, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है? मोर देन फाइव, फाइव से ज्यादा, मतलब फाइव लोअर लिमिट हो गई। मोर देन टेन मतलब टेन से ज्यादा, राइट? अब आती है फिफ्थ, आता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, ओनली इन दिस वी हैव ओनली मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें अपन को मिड वैल्यू दे रखी होती है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, राइट? लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दे रखी होती, वो अपन को निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट मीन्स एल वन, एम इज मिड वैल्यू, फाइन, आई इज क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम माइनस मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, अब एग्जाम्पल्स ही है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, एल टू, अपर लिमिट मीन्स एल टू, मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू क्लास इंटरवल, राइट? अब अपन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अपने पास टेबल है। इसमें देखिए, लेस देन टेन कितने स्टूडेंट्स है, फोर, लेस देन ट्वेंटी, ट्वेंटी, लेस देन थर्टी एंड सो ऑन। अपन को सिंपल फ्रीक्वेंसी में लाना है, लेस देन टेन मतलब दस से कम, तो टेबल कैसी बनेगी अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी में, जीरो टू टेन, दस से कम तो जीरो से टेन ही होंगे और कुछ नहीं होगा। कितना आया, फोर, यस इट इज फोर आ गया। अब देखिए लेस देन ट्वेंटी, तो मतलब टेन से ट्वेंटी के बीच में है, क्योंकि जीरो टू टेन तो अपन लिख चुके हैं ना, तो लेस देन ट्वेंटी मतलब टेन से ट्वेंटी के बीच में है। कितना है, ट्वेंटी स्टूडेंट्स, जो ट्वेंटी स्टूडेंट्स के अंदर टेन के, टेन से कम वाले भी आएंगे ना, लेस देन ट्वेंटी मतलब जो ट्वेंटी से कम है वो भी आएंगे और जो टेन से कम है वो भी आएंगे, राइट? तो अपन इसको सिंपल से कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्म में इसको लेके चलना है। ट्वेंटी माइनस फोर करेंगे सिक्सटीन, फिर ट्वेंटी टू थर्टी के बीच में कितने आ गए, फोर्टी माइनस ट्वेंटी, दैट इज ट्वेंटी, लेस देन फोर्टी के बीच में कितना आ गया, मतलब थर्टी टू फोर्टी के बीच में, फोर्टी एट माइनस फोर्टी दैट इज एट, राइट? इसमें बस एक बात का जो ध्यान रखना है, समझने वाली जो बात है अपनी, वो सिर्फ इतनी है कि जो बीस से छोटे हैं मतलब वो दस से भी छोटे हैं, जो थर्टी से छोटे हैं मतलब वो ट्वेंटी से भी छोटे हैं, टेन से भी छोटे हैं, लाइक दिस। एक अपन का और एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्लास मिड वैल्यूज दे रखी है ट्वेंटी फाइव, थर्टी टू, थर्टी नाइन एंड सो ऑन। अपन को इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट। ये अपने शॉर्ट मार्क्स में अपन के आ सकता है, वन मार्क्स में भी आ सकता है, अगर एक चीज पूछी, थ्री मार्क्स में भी आ सकता है कि कितना होता है। तो अपन के पास, अपन को पता है क्लास इंटरवल का क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज के बीच में डिफरेंसेस होता है, मिड वैल्यूज ये सारी दे रखी है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो अपनी आ जाएगी क्लास इंटरवल। अब देखिए 32 माइनस 25 कितना हुआ, 7, तो अपनी क्लास इंटरवल आ गई। अब चाहे इन दो का ले लो या इन दो का ले लो, 39 माइनस 32 तब भी 7 आएगा, 49 माइनस 36 तब भी 7 आएगा, किसी का भी ले लो, क्लास इंटरवल सेम ही रहती है, राइट? अब इसमें अपन को एक और चीज पूछिए, क्लास लिमिट। वी नो क्लास लिमिट दो होती है, एक तो अपर लिमिट होती है, एक होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का अपन को पता है फॉर्मूला कितना होता है, एम मतलब मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू क्लास इंटरवल। वैल्यूज पुट कर दो सिंपल इक्वेशन में, क्या आएगी, मिड वैल्यू कितनी है अपनी 25, राइट? 25 माइनस हाफ इंटू क्लास इंटरवल कितनी है 7, ये मैंने 7 इधर लिख दिया, मतलब 25 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.5, राइट? तो कितनी आ जाएगी, 21.5, राइट? सिमिलरली इसके अपने आ जाएंगे 25 प्लस हाफ इंटू 7, सिंपल माइनस लीजिए प्लस है, लो अपर लिमिट निकाल लेगा और कोई डिफरेंस नहीं है। इधर क्या आएगा, 25 प्लस 3.5 दैट इज 28.5, राइट? नाउ फ्रेंड्स, अपन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अब अपन कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी में। पहले अपन ने करा था
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल में, अब मोर देन में कैसे करेंगे लेट्स सी। इसमें मैंने फर्स्ट में लिख दिए मोर देन 0 मार्क्स, मोर देन 5 मार्क्स एंड उनके आगे उनकी फ्रीक्वेंसी। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, मतलब कि 0 to 5, मोर देन 0 जैसे उसमें क्लास इंटरवल ली वैसे इसमें ली। 0 to 5 कितने हैं, मोर देन 0, पहला वाला कितना है 55। इसमें हमेशा आप देखना जो अपन की लेस देन थी ना अपन ऐसे माइनस कर रहे थे नीचे से ऊपर माइनस कर रहे थे, मोर देन में हमेशा ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। ये देखिए मोर देन 0 कितना है, मतलब 0 to 5 के बीच में कितना है 55 माइनस 51 दैट इज 4। क्यों आया 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज 0 से ज्यादा है मतलब कि बाकी टोटल आइटम्स आगे 0 से ज्यादा, और जो ऊपर होता है ना मोर देन 0 मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इधर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब भी मोर देन सीरीज है आपको ऊपर से नीचे माइनस करना है, दैट्स इट। मोर देन 0 55 है तो मतलब 0 टू 5 के बीच में कितने हो गए 55 माइनस 51 4। नेक्स्ट इंटरवल अपन ने ली 5 to 10, क्यों, क्योंकि अपन इसके 5 5 के गैप में चल रहे हैं इसलिए 5 का इंटरवल लिया, राइट। अब 51 माइनस 20 कितना आएगा 31, राइट। अब मेरे को माइनस करना है वापस इधर 20 माइनस 0 दैट इज 20 एंड लास्ट का 0, बस इतना सही है। लेस देन में नीचे से ऊपर माइनस करना है, मोर देन में ऊपर से नीचे माइनस करना है, फाइन। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें, कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज, वी नो जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग होती है, ये देखिए इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट अलग है। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपन को कन्वर्ट करना है मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट उनकी दोनों की सेम होनी चाहिए, राइट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो वी हैड दैट इन अर्लियर ऑल्सो। क्या करेंगे अपन, पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस लेंगे, क्लास इंटरवल इज 25 माइनस 24। इससे क्लास इंटरवल का अपन ने डिफरेंस लिया, फ्रेंड इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है। 25 माइनस 24 कितना है 1, डिफरेंस आ गया इन दोनों का। अब जो डिफरेंस आता है उसको अपन हाफ करते हैं, दैट इज 1 को डिवाइड करेंगे अपन हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब 0.5 का क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट में तो ऐड करते हैं और सारी लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं। जैसे लोअर लिमिट है 19 तो 19.5 अपर लिमिट में मैंने लोअर लिमिट में मैंने ऐड कर दिया, सॉरी 18.5। लोअर लिमिट में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा और अपर लिमिट में हमेशा ऐड होगा, 18.5 टू 24.5। 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5 आएगा, ये आ गया 24.5। 0.5 ऐड करेंगे 29.5 आ गया। फिर 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसके साथ चलना पड़ेगा इसको 29.5। फिर 34 में 0.5 ऐड करेंगे एंड सो ऑन 39.5। इसमें अपन ने करा क्या है, आप सिंपल से देख लीजिए। अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना पर्पस सॉल्व हो गया कि एक्सक्लूसिव में आ गई, मतलब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट कॉमन है, सेम है, ये देखिए सेम है। अपन ने सिंपल से क्या करना है, इंक्लूसिव को जब भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ये जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस माइनस करना है फर्स्ट क्लास इंटरवल और सेकंड क्लास वाले में, राइट। फिर डिफरेंस माइनस करके उसको हाफ से डिवाइड कर देना है, या फिर डिफरेंस माइनस करके उसको हाफ कर देना है, या फिर ये क्या है 2 से डिवाइड कर देना है। जो डिफरेंस आ जाएगा मतलब ये आ गया, इसको अपर लिमिट में तो ऐड करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना है। अब फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, उससे पहले एक जरूरी बात, मैंने इस वीडियो के लास्ट में 2 लिंक दे रखे हैं, उन दोनों लिंक को माइक्रो और स्टैट्स के लिंक को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको मेरे सारे अपलोडेड वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज लेंगे तो, राइट। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जैसे मैं नए नए वीडियोस अपलोड करती जाऊँ आपको इमीडिएटली पता चल जाए, राइट। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो, मैंने मंथली इनकम लिख रखी है 10,000 से 20,000 के बीच में 2 फैमिलीज की इनकम है, 20,000 से 30,000 के बीच में 8 फैमिलीज की इनकम है एंड रिमेनिंग, राइट। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डेटा दे दिया उसको अरेंज करो और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर दो, राइट। छोटे मार्क्स में बड़े मार्क्स में जैसे भी आता है देखिएगा कैसे करना होगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, क्वेश्चन मार्क इज व्हाट यहाँ पे, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल कौन सी होगी, पहले थर्ड क्लास इंटरवल कौन सा है, दिस इज थर्ड क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट वी नो इज दैट इज 30 आंसर, राइट। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सी होगी वाली, अपर लिमिट कौन सी होगी, कौन सी होगी, ये भी अपर लिमिट 20। क्लास साइज, क्लास साइज वी नो कितना है 20 माइनस 10, या इन दोनों का ले लो कोई का भी ले लो सेम ही आएगा, 20 माइनस 10 कितना है अपना 10, अपन ने फॉर्मूले में इसको ऑलरेडी देख चुके हैं अपन।
राइट, मिड वैल्यू ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। सेकेंड क्लास इंटरवल की मतलब 30 प्लस 20, ये ऐसा आएगा 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टू, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, तो अपना आ जाएगा यहाँ 25। फॉर्मूले में सिंपली पुट करना और कुछ भी नहीं है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको ढंग से देखना एक बार। हाउ मेनी फैमिलीज अर्न मोर देन 20,000? कितनी फैमिलीज 20,000 से ज्यादा कमा रही है? 20,000 और 30,000 के बीच में इनकम है, तो ये सारी फैमिलीज 20,000 से ज्यादा कमा रही है। 20,000 से 30,000 वाली, 30,000 से 40,000 वाली, सब 20,000 से ऊपर जा रही है। कितना आएगा? 25, और 25 प्लस 8 कितना हुआ? 33। तो इधर आ गया 33 इसका आंसर, राइट। अब आता है हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन 30,000? 30,000 से कम कितनी फैमिलीज कमा रही है? तो 30,000 से कम वाली ये सारी ऊपर वाली आ गई, क्योंकि 20 30 और ये भी आ गया। कितनी आई? 10, ये आ गया 10। ओके फ्रेंड्स।